गाइज़ वेलकम अगेन माई चैनल। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ कैसे करते हैं। जैसे क्या होता है कि हम ब्यूटी ब्लेंडर खरीद के लेकर आते हैं या ऑनलाइन मंगाते हैं, तो ब्यूटी ब्लेंडर लाकर तुरंत हम उसे यूज़ करने लगते हैं, तो ये गलत तरीका होता है गाइज़। बिकॉज़ ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करने का अलग प्रोसीजर होता है, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर कैसे यूज़ करते हैं बिगनर्स को नहीं पता होता है। तो इसीलिए ये मैं टॉपिक ये वीडियो शेयर कर रही हूँ गाइज़, कि आसानी से आप लोगों को पता चल पाए कि ब्यूटी ब्लेंडर आखिर यूज़ कैसे करते हैं। तो गाइज़ मैंने फ्लिपकार्ट से बहुत दिन पहले ये ब्यूटी ब्लेंडर परचेज़ किया था, दोनों मुझे एक साथ ही मिले थे। तो ये फ़्लिपकार्ट में मैंने मंगाया था, बहुत अच्छे ब्रांड के हैं, ब्रांड मुझे याद नहीं है, मैं उसका स्क्रीनशॉट दे दूँगी साइड में। तो आप अगर चाहते हो ब्यूटी ब्लेंडर परचेज़ करना तो फ़्लिपकार्ट से इसको, कि जब हम मेकअप करते हैं तो हम तुरंत ब्लेंडर को यूज़ करने लगते हैं, तो अक्सर आप देखते होंगे कि ब्लेंडर में सारे फाउंडेशन कंसीलर आके चिपक जाते हैं, क्योंकि ये रॉन्ग प्रोसीजर होता है। तो कोई, जाहिर सी बात है गाइज, कोई फर्स्ट टाइम नहीं जानता है, जो फर्स्ट टाइम मेकअप करते हैं बिगनर्स, वो नहीं जानते कैसे यूज़ करना है। तो इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ हेल्पफुल के लिए, कि आसानी से आप इन चीज़ों को, आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो तुरंत इसे यूज़ करते हैं और सारा फाउंडेशन यहाँ पर आकर चिपक जाता है। तो मैं इस तरीके से बताऊँगी इसे यूज़ करना, कि आपका फाउंडेशन भी नहीं चिपकेगा और बहुत आसानी से आपका मेकअप ब्लेंड भी हो जाएगा। आपने देखा भी होगा कि आप इसे तुरंत लाकर अगर मेकअप सेट करने लगते हो तो सेट नहीं होता है, मेकअप वहीं का वहीं रहता है, बस आप ब्लेंडर को हिलाते रहते हो, ठीक है, ये भी होता है। तो जो मैं प्रोसीजर बताऊंगी वही मेन प्रोसीजर होता है, ब्लेंडर को यूज़ करने का सही तरीका होता है। तो उससे आपका मेकअप भी जल्दी ब्लेंड होगा और आपका मेकअप फाउंडेशन में नहीं आएगा, जितना आना चाहिए उतना ही आएगा, और आपका मेकअप भी बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा। चलिए गाइस मैं बताती हूँ कि किस तरह आपको ब्लेंडर यूज़ करना होता है, तो आगे वीडियो कंटिन्यू देखिएगा तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए इस यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने का मैं तरीका बताऊँगी, कि मेकअप से पहले ब्यूटी ब्लेंडर में क्या किया जाता है, कि जो हमारा मेकअप जो होता है बहुत ही आसानी से सेट हो जाता है। तो एक मग में आप पानी ले लीजिए किसी भी बर्तन में और भर के पानी लीजिएगा। अब उसमें हम लोग अपना ब्यूटी ब्लेंडर को डाल देंगे, हाँ गाइस, क्योंकि पानी में ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और यही प्रोसेस होता है ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने से, मेकअप यूज़ करने से पहले ब्यूटी ब्लेंडर को इसी तरह यूज़ किया जाता है। तो इसमें पानी में मैंने डाल दिया गाइस, भर भर के पानी डालना है, जिससे कि ये पूरे अच्छे तरह से पानी को एब्जॉर्ब कर ले। तो पूरे पानी में इसे मैंने डुबो दिया था, तो देख रहे हैं गाइस कि किस तरह पानी के ऊपर आ जा रहा है। जब तक पानी के ऊपर आएगा इसका मतलब उसके अंदर पानी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, जब वो नीचे चला जाएगा ना गाइस तो ऑटोमेटिक उसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जितना भी जाए नीचे, लेकिन बस उसमें पानी एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो गाइस आप देख सकते हो कि किस तरह पानी उसमें एब्जॉर्ब हो चुका है, एंड वो आफ्टर देन वो कितना सॉफ्ट हो गया है गाइस, रियली में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था। तो क्या होता है कि हम लोग मार्केट से ब्यूटी ब्लेंडर लेके आते हैं किसी भी लोकल शॉप से, तो हमें लगता है कि लोकल ब्यूटी ब्लेंडर है, ये सही नहीं है, अदरवाइज़ सारे ब्यूटी ब्लेंडर अच्छे होते हैं, तरीका हमारा गलत होता है यूज़ करने का गाइस। तो ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा है, चाहे आपका सस्ता ब्यूटी ब्लेंडर हो या कॉस्टली हो, उस वो मायने नहीं रखता है गाइस। मैं सारे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ कॉस्टली, और इसमें कोई नहीं है कि आपको कोई अच्छा ही ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना हो। अगर ये प्रोसेस से आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेकअप में हेल्पफुल होगा और मेकअप बहुत ही जल्दी आपका ईजीली सेट भी हो जाएगा। तो गाइस आप देखो कि कितने अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। तो यूज़ करने से पहले ऐसा मत करिएगा कि पानी इसी में रहे, जब आपको मेकअप सेट करना है तो उसे दो मिनट पहले आप इस तरह से प्रोसेस को कर ले, उसके आफ्टर आपको पानी को अच्छे से निचोड़ देना है, कि वाटर एकदम ही ना रहे ब्यूटी ब्लेंडर में गाइस। तो पूरे अच्छे से मैंने इसे निचोड़ दिया था, वाटर पूरी तरह से निकल चुकी थी, ऑटो हो चुकी थी गाइस। तो पूरे वाटर को अच्छे से आपको निचोड़ना होगा कि थोड़ा भी वाटर उसमें ना रहे, देन आफ्टर आपका ब्यूटी ब्लेंडर पूरा सॉफ्ट हो गया है। तो गाइस अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि कितने आसानी से मेरा फाउंडेशन मेल्ट हो जाएगा। ऐसे अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर तुरंत ला के तुरंत यूज़ करोगे ना, तो वो मेकअप कभी ब्लेंड नहीं होगा गाइस, आप देखना ये प्रोसेस करके। देन ये प्रोसेस के बाद देख रहे हैं कितनी आसानी से मेरा फाउंडेशन ब्लेंड हो गया गाइस, रियली में आप देख सकते हो। मैं फेस पे भी दिखाऊंगी, अभी मैं अपने हैंड पे करके दिखा रही हूँ गाइस, कि कितनी आसानी से बहुत ही जल्दी से ये मेकअप बहुत ही अच्छे से सेट हो गया गाइस, और आपका मेकअप बेस भी केकी नहीं लगेगा। जब अच्छे से चीज़ें सेट हो जाएंगी तो आपका मेकअप भी केकी नहीं लगेगा गाइस। तो देख सकते हो कि मेकअप जो हमारा ब्लेंडर है
उस पर भी बहुत मेकअप आ जाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लेंडर पे मेकअप नहीं आया हुआ है, थोड़ा भी फाउंडेशन नहीं आया है। सही प्रोसेस से अगर यूज़ करोगे ना तो आपका कभी भी ब्लेंडर पे मेकअप उतना ही आना चाहिए जितना आना चाहिए। थोड़ा बहुत तो आता है क्योंकि हमारे स्किन पे उतना ही मेकअप सेट होना चाहिए जितने स्किन टोन रिकवर करती है। तो इसीलिए ब्लेंडर वो प्रोसेस को पूरा करता है और आपका मेकअप भी सही तरीके से सेट हो जाता है, और ज़्यादा मेकअप को वो ब्लेंडर लेता भी नहीं है। तो यहाँ पे गाइस मेरा ब्लेंडर बहुत ही कम मतलब मेकअप को एब्जॉर्ब किया और बहुत ही आसानी से आप देख सकते हो कि फेस पे भी मेकअप कितनी आसानी से मेल्ट हो जा रहा है। गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से मेरा मेकअप फेस पे कितने आसानी से मेल्ट हो गया। तो गाइस कैसा लगा वीडियो बताएगा जरूर। हे गाइस, तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, कितना ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। देन लव यू, बाय, टेक केयर, सी यू।